शं वरुणः शं नो भवत्वरियम शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 ॐ यश्चंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योद्यमृतात् तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीत श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशंकुर्वेदानुवचनम् ॐ शांति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनादिते नाहोरात्रं संददामि ऋतं वदिष्यामि स
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अपिवातयमन ॐ शांति 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 ॐ भद्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये ॐ शांति 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च स्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरुं सन्ततमनतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शांति शांति अन्नवान कार्तिकेय प्रभुतम अन्न विद्यते नहीं तो सत्ता मात्रेण तो सबका सब अन्नवान है विद्या में विशेषण नहीं होगा एवं अन्नम अतीति अन्नादो अन्नवान अन्नादो भवति अन्नाद शब्द का अर्थ अन्नम अतीति अन्नाद अन्न अर्ध धातु से अतीति कर्मणि अन्न करनी हो जाएगा अन्नम अतीति कर्मणि पदे अर्ध धातु से अन्नम अतीति अन्नाद बन जाएगा अतीति अर्ध धातु से अन्न करेंगे तो अतोदा आद बन जाए अन्नाद बन जाएगा अन्नम अतीति अन्नाद तो अन्नम अतीति अति दो तकार है अन्नम अतीति अन्नाद
तो अन्न को खाने वाला, अन्न को खाने वाला सब खाते, इसलिए उसका अर्थ क्या करना पड़ेगा, दीप्त अग्निर्भवति, दीप्त अग्निर्यस्य, अग्निदीप्त प्रज्वलित, अर्थात जिस भोजन कर से पचा लेता है, इस अन्नवान का अर्थ किया अधिक अन्न है उसके पास, इस अन्नाद का अर्थ हुआ खाली खाता नहीं, दीप्त अग्निर्भवति, अग्निदीप्त हो तो अधिक भोजन करके पचन कला कर लेता है, पचन हो जाता है तो दीप्त अग्नि होता है। महान भवति, महान किससे होगा, केन महत्वम इत्यतः प्रजया पशु इत्यादि, प्रजया प्रजा पुत्रादि के थे पशु भी क्या था, पशु से गौ अश्वादि भी, गवास्वादि भी, ब्रह्मवर्चस है ना, ब्रह्मवर्चस होता है तेज, कैसे ब्रह्मवर्चस से तेज होगा, समदमादि ज्ञान निमित्तेन तेजता, समदमादि ज्ञान, समदम और ज्ञान अत्र ये ज्ञान से निमित्तेन, समदमादि ज्ञान, समदम ज्ञानादि निमित्तम यस्य तेजसः ततेजः समदमादि निमित्तम, ये तेज शरीर में कांति, समदमादि से युक्त होने पर, ज्ञान होने पर, उसमें मन स्वच्छ होने पर, प्रसन्नता उनसे एक तेज, विलक्षण तेज होता है, वो तेज का अर्थ नहीं खाली सफेद हो जाना, कुछ विशेष तेज है, ये दोनों टिप्पणी में त्वग दीप्ति दिया, त्वग चरण चरण में दीप्ति विशेष प्रकाश। महान भवति कीर्तिया, कीर्ति ख्याति, और ख्याति कैसे कि शुभ प्रचार निमित्तया, शुभ प्रचार निमित्तम यस्य ख्यातिया सा ख्याति, शुभ प्रचार निमित्ता, शुभ प्रचार क्या, शुभ से प्रचार, शुभ सौ से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का प्रचार, आत्मज्ञान से उपदेश है ना, शिष्यादि से प्रचार, आत्मज्ञान का उपदेश शिष्यादि से प्रचार, शुभ प्रचार हुआ उसके कारण ख्याति होती है। अथवा दूसरे प्रकार अर्थ क्या, शुभ व शास्त्रीय आचार, शुभ शुभ प्रचार, प्रचार कहता आचार, शुभ आचार प्रचार है, शुभ प्रचार, प्रचार हो गया आचरण, शास्त्रीय आचरण, शास्त्रीय आचरण ही शुभ होता है, शास्त्र विरुद्ध है तो अशुभ है, कोई भी करता है तो कुछ भी शास्त्र विरुद्ध है तो अप्रामाणिक है, वो अनुकरणीय नहीं है, अपने मनमानी करना भी ठीक नहीं, कोई दूसरे करता है इतने बड़े आदमी हमसे कर दे हम भी करेंगे ऐसा नहीं, बड़े आदमी क्या है छोटे आदमी, बड़े छोटे नहीं, शास्त्र विरुद्ध है तो अनुकरणीय कभी नहीं है कोई भी हो, इसे शास्त्रीय होता है शुभ, शास्त्रीय आचार उसके शास्त्र जो ज्ञान हो गया तो कहेंगे और कोई विधि को निषेध करके और शास्त्रीय व्यवहार करेगा ये बड़ा सरल है, ये नहीं स्वाभाविक है, शास्त्रीय आचार समय ही शास्त्रीय आचार तनिमितया ख्यातिया, उसे ख्याति से महान होता है, इसलिए ज्ञानी में शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर समदवादी संपन्न होकर एक साधन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, वो ज्ञान होने के बाद भी ये सोचते हैं और क्या जरूरत है, समदवादी क्या जरूरत है, ये भावना नहीं, ऐसे ही चलता रहता है, बाधित हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं तो प्रचार आचरण शास्त्र विरुद्ध होगा ऐसा नहीं, ये हो गया अन्न न निंद्यात तद व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेतद अन्नमन्ने प्रतिष्ठितम स एतद अन्नमन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया प्रसुभिर् ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या अन्नम न निंद्यात इसका व्रत है अन्न की निंदा नहीं करे जो प्राप्त हुआ अन्न ब्रह्म इति व्यजनता है था उसके द्वारा सब का ज्ञान हुआ होता है इसे अन्न की निंदा नहीं करे ये क्या व्रत प्राणो भी अन्नम प्राण को कहा अन्नम शरीरम अन्नादम शरीर के द्वारा ग्रहण होता है कि अन्न प्राण कैसे हुआ शरीर अन्नादि कैसे हुआ जो खाता है अन्न शरीर के अंदर आ जाता है
इसके अंदर आ गया वो हो गया अन्न, जिसके अंदर आ गया हो गया, हो गया अन्न। प्राण शरीर के अंदर है, प्राण शरीर प्राणी शरीर में प्रतिष्ठित पहले हो गया प्राण अन्न शरीरम अन्नादम, शरीर में प्राण है। अब प्राणी शरीर में प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित, प्राण नहीं रहे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, प्राण हो जाएगा अभी अन्नाद, शरीर हो जाएगा अन्न। शरीर प्राण प्रतिष्ठित, प्राण शरीर प्रतिष्ठितम, शरीर प्राण प्रतिष्ठित, प्राण में शरीर स्थित हुआ तो अन्न होगा, जो अंदर स्थित होता है अन्न हो जाएगा। तो प्राण में स्थित है तो शरीर अन्न हो जाएगा, प्राण अन्नाद हो जाएगा। शरीर में प्राण है तो प्राण अन्न हो जाएगा, शरीर अन्नाद हो जाएगा। तथेतत अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम, दोनों हो गया परस्पर अन्न, अन्न में प्रतिष्ठित परस्पर। स एतद् अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम, प्राण और शरीर में परस्पर अन्न अन्नाद होकर के परस्पर प्रतिष्ठित ऐसे उपासना करता है, प्रतिष्ठति प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और आगे अन्नवान अन्नाद होती, जैसे पहले आया था अन्नवान प्रभुत्व, अन्न अधिक अन्न वाला होता है, दीप्ताग्नि होता है, महान भवती प्रजा पशु से ब्रह्म वृक्ष से और कीर्ति से भी महान होता है। अभी वह शुभ प्रचार निमित्त कीर्ति से भी। किंच अन्न द्वार होते न ब्रह्म विज्ञात यस्मात्, अन्न के द्वारा ब्रह्म के ज्ञान, अन्न ब्रह्म ज्ञान करके उसके द्वारा ब्रह्म विज्ञात हुआ। तस्मात गुरु भी गुरुमिव अन्नम न निंद्यात, जिसे गुरु के समान गुरु की निंदा नहीं करते, इसी प्रकार अन्न की निंदा नहीं करे। तदस्य एवं ब्रह्मविद व्रतम उपदिश्यते, इसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए व्रत उपदेश करते, व्रत नियम। हाँ ठीक है, अन्नम अपकृष्टम प्राप्तम न निंद्यात, अन्न की निंदा करने का प्रसंग कहाँ है। अन्न प्राप्त हुआ, अपकृष्ट निकृष्ट है प्राप्त हुआ तो उसकी निंदा नहीं करें, जो प्राप्त होता है अपकृष्ट प्राप्त हो निंदा नहीं। सामान्य किसी के लिए भी, और साधु महात्मा के लिए तो जो भिक्षा प्राप्त हो उसको ही लेना है। साधुअन्नम न तो याचता विधिवशात प्राप्त न संतुष्टता, नहीं तो ऐसे क्या बनाए हो, क्या है वो, क्या है कोई कोई वैसे नहीं, ये जो प्राप्त होता है ग्रहण करना है। अन्नम अपकृष्टम प्राप्त न निंदा, यदृच्छया च उपपन्नम अध्याश्रेष्ठम उदाहरण, जो प्राप्त हो गया उपपन्न प्राप्तम अध्याद भोजन काल खुश होकर के श्रेष्ठम उत अवरम, श्रेष्ठ प्राप्त हुआ अवर प्राप्त हुआ, अच्छा भोजन मिला, जिसे मिला रुका सुखा उसको भोजन करें प्रसन्न होकर के देवत्वात्। ब्रह्मविदो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए नियम व्रत बताया, ब्रह्मविदो नियमाभिधानम, ब्रह्मज्ञान क्या नियम कथन करना, ब्रह्मज्ञान के लिए नियम क्या करना है। इसीलिए कहा साधक से अनुष्ठानार्थम, साधक ऐसा अनुष्ठान करे इसलिए ब्रह्मज्ञान क्या नियम कहा गया। ब्रह्म विदो नियमाभिधान इसके ऊपर दोनों वर्तिपन में न ततो विजिगुप्सते इति, ब्रह्म विदो निंदा करतु तो अप्रसंगात, ब्रह्मज्ञान किसकी निंदा नहीं करता है, ज्ञान होने का निंदा घृणा नहीं करता है, तो निंदा कर्तृत्व, निंदा करने वाला ब्रह्मज्ञान नहीं होता है। ब्रह्मज्ञान निंदा करते तो अप्रसंगात, एवं जो प्रसंग ही नहीं तो न निंदा, तो उसके लिए व्रत क्या करना, तो निषेध होगा। जो प्राप्त नहीं है प्रसंग नहीं तो उसका निषेध क्यों करना, प्राप्त सत्यम निषेध। ब्रह्मज्ञान की निंदा करते तो प्रसंग नहीं, न तो बीजगुप्त सत्य का ज्ञान होने के बाद किसी की घृणा नहीं करता, निंदा नहीं करता है, इसलिए नियम उसका कथन करना, निंदा का निषेध करना ये तो उचित नहीं होता है, शंका हुई। नियम विधान किस लिए, साधक से अनुष्ठानार्थम, साधक से टिप्पणी में यथोत ज्ञान साधनानी अनुतिष्ठत, साधना न्यनुतिष्ठत है पुराण में, साधना अन्वता साधना अन्य साधनानी अनुतिष्ठत, साधना अन्य व नहीं यथत्व ज्ञान साधना अन्य अनुतिष्ठत,
जो ज्ञान साधन अनुष्ठान करता है ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके लिए नियम है। यथोक्तेति यथोक्त अनुष्ठानार्थम यथोक्त आ गया है यहाँ। अच्छा इसमें यथोक्त कहाँ, अच्छा उसी के यथोक्तेति। अच्छा इसी टिप्पणी जो यथोक्त ज्ञान साधना ने अनुतिष्ठत दिया वो जो यथोक्त में है उसी का अर्थ है। यथोक्त ज्ञान साधना ने अनुतिष्ठत इसमें यथोक्त दिया है, यथोक्त इति उसका अर्थ है। वस्तुतत्व प्राण शरीर अन्नाद गुणत्वेन उपासक से इतव अर्थ। ये साधन अनुष्ठान करने वाले के व्रत का यहाँ कहते हैं वस्तुतत्व, ये व्रत किसके लिए, प्राण और शरीर परस्पर में अन्न अनाद गुण, एक अन्न दूसरा अनाद परस्पर अन्न अनाद गुण गुणत्व न, जो प्राण शरीर अन्न अनाद गुणत्व उपासना करता है उसके लिए व्रत कहा गया। अनुष्ठानार्थम साधक से अनुष्ठानार्थम, अनुष्ठान क्या करेगा, जो अन्न की निंदा नहीं करे इसका क्या अनुष्ठान करना, अनुष्ठानार्थम प्रयत्न संपाद्यम, प्रयत्न से संपादन करना है, बिना सोचे विचारे निंदा हो जाती है, भोजन आदि है तो क्या भोजन कैसे बनिया क्या हो गया, जो हो गया कुछ ऐसे कुछ नहीं, जो मिला उसको ऐसे एक प्रसन्न करो खा ले, परमात्मा को अर्पण कर लिया प्रसाद हो गया प्रसन्न होकर भोजन करने से सात्ता ठीक रहता है, प्रसन्न होकर के और नाक टेक करके असंतुष्ट होकर खाने पर वो खराब करता है। इसलिए जिनको भूख अच्छी भूख है वो खा कर मस्त रहते खुश रहते, और जिनको बहुत इधर उधर खाना मिलता दिन भर इधर उधर खाते रहते भूख लगेगी, भूख लगेगी नहीं, भूख लगने पर भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि खाने की आदत है तो भूख तो लगती रही, जो लोग दिन भर उधर उधर कुछ खाते हैं ना तो भूख लगती फिर खाने की इच्छा, भूख के खाने की इच्छा, खाने की इच्छा है तो भूख नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरी चीज़ खाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो जब भूख नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अब भूख होने पर जो मिला अच्छा है, तो ये हो गया प्रयत्न संपाद्यम है, ये निंदा नहीं करना, जो प्राप्त हुआ उसे प्रसन्न होकर के लिया अर्पण किया परमात्मा प्रसाद हो गया। ये साधक के लिए ऐसा सिद्ध से स्वभावतम इति भाव, जो सिद्ध ज्ञान जिसको हो गया वो निंदा कर सकता है, निंदा करे उसका स्वभावतः ही निंदा नहीं होगी। अधिकारी को तो साधक को यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना, तत्पर हमेशा प्रमाद नहीं करके हमेशा विचार कर रखे जो मिला ठीक है, कभी शब्द नहीं मन में भी सोचे नहीं बोलना नहीं आगे भी विचार नहीं करना मिला ठीक, और सीधे का स्वभाव है तो इसलिए जो ज्ञानी के लिए उपदेश किया गया उसका स्वभाव ऐसा है। जहाँ शास्त्र में तिथ प्रज्ञ से का भाषा ज्ञानी का लक्षण आदि शोक कहे गए वो ज्ञानी के लिए नियम नहीं, उसका तो स्वभाव तो लक्षण है, ऐसे लक्षण जो ज्ञानी का स्वभाव है उसको साधक अनुष्ठान करे, ऐसे लक्षण आ जाए तो ज्ञान अवश्य हो जाएगा। व्रतम उपदिश्यते भाष्य में, व्रत उपदेशो अन्न स्तुतये, ये अन्न की निंदा नहीं करो अन्न की स्तुति के लिए, अन्न की स्तुति क्यों करते, स्तुति भाग तुम चन्न से स्तुति भजते थे स्तुति भाग, स्तुति के योग्य है अन्न, क्योंकि ब्रह्म उपलब्धि उपाय तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए उपाय है। टीका में एवं वाक्यार्थ ज्ञान है लक्ष्य पदार्थ अनुसंधानम अनुसंधानम मुख्यम साधनम, ये हुआ वाक्यार्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कोई अलग वाक्यार्थ ज्ञान अलग ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म का दर्शन परमात्मा का दर्शन, परमात्मा पहले परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं बाद में दर्शन ही ज्ञान है, चक्षुरिंद्र से ज्ञान होता है नहीं, वो दर्शन ही है ज्ञान है, चक्षु सन्निकर्षण ही ज्ञान, चक्षु सन्निकर्षण से ज्ञान होता है, दर्शन हुआ तो ज्ञान हुआ, तो दर्शन हो गया
ज्ञान तो वाक्यार्थ ज्ञान परमात्मा का दर्शन हो गया वाक्यार्थ ज्ञान। परमात्मा दर्शन और वाक्यार्थ, वाक्यार्थ तो कभी सुना है वेद उपनिषद, वो क्या वाक्यार्थ ज्ञान? वस्तु तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, वाक्य तो सुना है तत्व से हम ब्रह्मास्मि, वाक्य तो सुना है, वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ। जो लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, तीन पदकार्थ मालूम है, तत् त्वम असि, तीन पदार्थ ज्ञान है। तीनों पद के अर्थ ज्ञान होने पर भी वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ। वहाँ जो विवक्षित वाक्यार्थ वो ज्ञान होना चाहिए, जो विवक्षित नहीं कुछ ना कुछ जान लिया तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है। पुत्र शत्रु घर में भोजन करना जानना चाहता है, पिता से अनुमति के लिए पूछा तो पिता कहते विषम भुंक्षव, जाओ विष खाओ। तो पुत्र क्या कर गया, विष ला कर पिता के सामने खाएगा या चिप करके? विष खाएगा ना, नहीं थोड़ा सा खाएगा। पिता ने कहा उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा, विवक्षा क्या करना चाहते हैं, निंदा मना करने वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है पूरा वाक्य। इसी प्रकार यहाँ भी तत्वमसि आदि कहा गया तो उसका वह अभिप्राय क्या है, ऐक्य कहा गया, कैसे एक होगा? वाच्यार्थ में एक नहीं होता है, मैं अल्पज्ञ हूँ, संसारी हूँ, सुख दुख वाला हूँ, ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा? ये सब शास्त्र के प्रक्रिया के अनुसार मनन आदि करने पर लक्ष्यार्थ ज्ञान। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए यही मुख्य साधन हुआ लक्ष्य पदार्थ अनुसंधान। त्वम पद का लक्ष्य लक्ष्यार्थ, तत्पद का लक्ष्यार्थ, लक्ष्य जो पदार्थ, पद लक्ष्य नहीं, पदे लक्ष्यक, लक्ष्य का अन्वय होगा अर्थ के साथ। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है, उसका अनुसंधान करना है। वाच्यार्थ को छोड़ करके अन्य व्यतिरिक चिंतन, जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में रहने वाला शुद्ध चिन्ह मात्र दीर्घ चेतन क्षेत्रज्ञ, ये बार बार ठीक ठीक स्पष्ट समझ अनुसंधान, ये मुख्य साधन। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए बाकी जितने साधन उनका निराकरण नहीं करते। श्रवण साधन है, श्रवण के पहले साधन चतुष्ट होना चाहिए, समदमादि साधन है, अमानित्व आदि साधन है, बहुत साधन है। मुख्य साधन हो गया लक्ष्य पदार्थ अनुसंधान। लक्ष्य पदार्थ श्रवण करते समय श्रवण मनन करते, श्रवण मन शास्त्र के द्वारा श्रवण मनन भी होता है, उसका मनन करते करते लक्ष्यार्थ पदार्थ लक्ष्यार्थ का अनुसंधान करते करते ही ज्ञान होता है। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान के लिए मुख्य साधन हुआ लक्ष्य पदार्थ अनुसंधान। उससे अन्य जितने साधन है, अन्य कोई साधन है वो साधन उससे निकृष्ट है, मुख्य नहीं है। जप करना साधन है, भले प्रणव जप हो कन्यास क्या अन्य कोई जप करे, समधमादि भी सब साधन है, साधन तो बहुत है, किंतु मुख्य साधन हो गया लक्ष्य पदार्थ अनुसंधान। इसलिए तप में भी भारतीकर भगवान ने कहा अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन वा तपो भवेत, अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञानाय अलम इदम यत, अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञानाय अलम इदम यत, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन वा तपो भवेत। अन्य व्यतिरेकादि चिंतन ही तप है, क्योंकि अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ ज्ञानाय इदम अलम पर्याप्त है। अन्य व्यतिरेकादि चिंतन करके लक्ष्यार्थ को निश्चय करना अहम शब्द का। इसलिए जो विवेक छोड़ावाणी में आया मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरीति अभिज्ञाते, आगे आत्मतत्वानुसंधान भक्तिरीति अपरिचय। पहले स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति, आगे आत्मतत्व अनुसंधान में स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति पहले हो गया अपने स्वरूप अनुसंधान। और कहीं कहीं इस अर्थ है कि आत्मतत्व अनुसंधान करते समय अहंग उपासना इस अर्थ कहीं के है, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ अनुसंधान करेंगे, यहाँ बाद या है दोनों ही चाहिए, स्वस्वरूपानुसंधानम और आत्मतत्वानुसंधानम भक्तिरीति अपरे जगो अन्य कहते। इसलिए दोनों का अर्थ भिन्न करने के लिए तो स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति हो गया प्रथम,
दूसरा हुआ आत्मस्वरूप अनुसंधान के लिए और परमात्मा का चिंतन उपासना ऐसे कहीं कहा गया। और यदि त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ कोई कहे त्वम पदार्थ का चिंतन करो, अन्य कहते तत्पदार्थ का चिंतन करो, तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ दोनों का चिंतन है, तो वहाँ अभिप्राय हो सकता है। यदि वाक्यात ज्ञान नहीं होता है तो हम उपासना करें आत्मतत्वानुसंधान भक्ति परि जगु, इसमें कहा गया है वो तो हंग्र उपासना के लिए तो है, किंतु दोनों त्वम पदार्थ तत्पदार्थ दोनों का चिंतन अनुसंधान ये मुख्य साधन है वाक्यात ज्ञान के लिए, और बाकी जितने साधन गौण है। तत्फलम च उसका फल है वाक्यात ज्ञान के साधन, उस वाक्यात ज्ञान हो ज्ञान से फल मोक्ष उपसंहार करके अधुना विचार असमर्थस्य, विचार में जो असमर्थ मंदाधिकारिणो अन्नानाद रूपेण प्राणाद्युपासनम गौणम साधनम विधत्ते। शास्त्र में सब है, मुख्य क्या है गौण क्या है, दुराग्रह अधिक होने पर कहीं कभी किसको वो शास्त्र पढ़ने पर ही उसका ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम जो साधन करते गौण हो जाएगा, हम तो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, उपासना स्वच्छ साधन है, क्योंकि हम तो ध्यान करते ध्यान स्वच्छ बड़ा साधन है, ध्यान तो साधन है, सब साधन उपासना साधन है, किंतु गौण साधन देखा गया मंदाधिकारी ना, जो मंदाधिकारी मंदाधिकारी कौन है, विचारे असमर्थ विचार असमर्थ से अत्यंत बुद्धिमान द्यादवा सामग्री वाप्य संभवात यो विचारम न लभेत ब्रह्म उपासित सोनिशम, विचार न लभेत न लभते लभते लभेत लभते, जो अत्यंत बुद्धिमान दिया बुद्धिमंद हो जाए तो विचार नहीं कर सकता है, बुद्धिमान दे तो सामग्री वाप्य सामग्री आचार्य उपदेश करने वाले छात्र सामग्री उपदेश करने वाले आचार्य सुलभ नहीं, उस पहले शास्त्र भी दुर्लभ होता, अभी शास्त्र भी कहीं यदि प्राप्त नहीं करें और बाकी सब साधन ठीक नहीं हो पाए तो यो विचार न लगे, यदि विचार नहीं कर पाता है बुद्धिमान देह के कारण सामग्री के अभाव से, तो ब्रह्मोपासित सनिशम निरंतर ब्रह्म की उपासना करें। उपासना में विभिन्न प्रकार उपासना है, अहंग उपासना श्रेष्ठ है, प्रणव के द्वारा उपासना है, प्राणादि उपासना है, बहुत उपासना है, प्रतीक उपासना भी, इसलिए यहाँ गौण साधन हो गया, मुख्य साधन हो गया पदार्थ अनुसंधान लक्ष्य पदार्थ, गौण साधन हो गया उपासना, आरंभ करते प्राणो व अन्नम, प्राणो वही अन्नम कह करके यहाँ उपासना आरंभ करते। भाष्य आगे तस्य अन्न भवति इति, यहाँ पहले भाष्य में प्राणो व अन्नम शरीरांतर्भावात् प्राणस्य, शरीर अंतर्भाव प्राण अंतर है प्राण, इसे प्राण हो गया अन्नम, प्राणो वही अन्नम शरीर अन्नाद क्यों हुआ, शरीर अंतर्भाव तो प्राणस्य, प्राण अंतर्भाव तो अन्न कैसे हो जाएगा, यह जस्य अंत प्रतिष्ठित भवती तत्स्य अन्न भवती थी, उसका अन्न वही जो अन्न हम खाते शरीर में आ गया अन्न प्रतिष्ठित हुआ, जो प्रतिष्ठित होता है जो अंदर उसका अन्न हुआ, यस्य अंतः यत् प्रतिष्ठित भवति, जिसके अंदर जो प्रतिष्ठित होता है जो प्रतिष्ठित हुआ वो अन्न होता है, जिसके अंदर प्रतिष्ठित होगा वो अन्नाद हो जाएगा, यस्य अंतः प्रतिष्ठित होते तत् तस्य अन्नम, जो अंदर प्रतिष्ठित हुआ अन्न हो जाता है, इसलिए प्राण शरीर में क्या प्रतिष्ठित होने से प्राण अन्न हो गया। शरीर च प्राण प्रतिष्ठित, पहले प्राण शरीर प्रतिष्ठित और शरीर में भी प्राण प्रतिष्ठित, शरीर प्राण प्रतिष्ठित, शरीर प्राण प्रतिष्ठित होने से क्या होगा तस्माद, अब शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हो गया अंदर कौन हो गया प्राण, तो प्राण हो गया अन्नम और शरीर हो गया अन्न, रही पहले का प्राण वाला प्राण शरीर नहीं, पहले शरीर प्राण क्रम पहले प्राण शरीर में आगे शरीर प्राण मंत्र में
यह हो गया शरीर से प्राण। अब पहले प्राण हो वही अन्न जो कहा वहाँ आगे तरण अंतर हुआ तो प्राणस्य वो आगे कहेंगे श्रुति में आगे आएगा वाक्य। प्राणी शरीर प्रतिष्ठित हम शरीर प्राण प्रतिष्ठित दोनों एक साथ कहा तो पहला जो है प्राण अन्न है उसके लिए कौन वाक्य प्रमाण लेना शरीर प्राण प्रतिष्ठित ये दूसरा वाक्य। प्राण अन्न क्यों हुआ शरीर में प्राण प्रतिष्ठित और आगे प्राणी शरीर प्रतिष्ठित आगे दिया शरीर च प्राण प्रतिष्ठित तस्मात प्राण अन्नम शरीर मनादम प्राण अन्न शरीर मनाद ये तो पहले कह दिया था। प्रथम प्रथम वाक्य अर्थ हाँ प्रथम वाक्य अर्थ शरीर च प्राण प्रतिष्ठित हाँ पहले कह दिया यस्य अंत यत प्रतिष्ठित होती तत्स अन्न होती थी शरीर च प्राण प्रतिष्ठित शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है इसे तस्माद प्राण अन्नम और अन्नाद कौन होगा प्राणम शरीर च प्राण ये द्वितीय वाक्य है शरीर च प्राण प्रतिष्ठित ये दूसरा वाक्य का अर्थ हुआ तथा शरीरमपि अन्नम और प्राण अन्नाद हो जाएगा शरीर तो अभी अन्नाद था अभी अन्न कैसे होगा कस्मात प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम प्रथम वाक्य प्राणी शरीरम प्रतिष्ठितम प्राण में शरीर प्रतिष्ठित उनसे क्या होगा शरीर अंदर हो गया प्राण में आश्रित हो गया शरीर अन्न हो गया प्राण हो गया अन्नाद तो शरीर प्राण में कैसे प्रतिष्ठित हुआ तन्निमित्तत्वा शरीर स्थित तत्पर से क्या लेना प्राण प्राण निमित्तत्वा प्राण निमित्त व्यस्य शरीर स्थिति के निमित्त है प्राण प्राण है तो शरीर रहेगा प्राण गया तो शरीर सड़ जाएगा नष्ट हो जाए दुर्गंध होगा फैंको तन्निमित्तत्वा शरीर स्थित तस्मात एतद उभयम् प्राण और शरीर दोनों इसमें अन्न कौन हुआ अन्नाद कौन हुआ उभयम् उभय कौन कौन शरीरम प्राणश्च अन्न हुआ अनाद हुआ अन्नम अनादश्च शरीरम अन्नम अनादश्च प्राण भी अन्न अनाद हो गया अन्न अनाद के हो ये ना अन्य अन्य प्रतिष्ठितम तेन अन्नम अन्य अन्य में अन्य परस्पर प्रतिष्ठित इसलिए अन्न हुआ ये ना अन्य अन्य से प्रतिष्ठा परस्पर प्रतिष्ठा इसलिए अनाद हुआ प्रतिष्ठित हुआ तो अन्न हो गया और प्रतिष्ठा है तो अनाद हो गया तस्मात प्राण शरीर च उभयम दोनों अन्नम अन्नादम च दोनों हो गया अन्न अन्नाद सय आगे फल वाक्य श्रुति में सय तद अन्नम अन्य प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठति अन्नम अन्य प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठति केन रूपेण प्रतिष्ठित तिष्ठति अन्न अनादात्मना एव अन्न अनाद रूप से टीका में दे दिया अन्न अनाद आत्मा नहीं थी टिप्पणी में प्राण शरीर आत्मना प्राण शरीर रह गया प्राण शरीर तो सूर्य भी तो सब तो प्राण भी शरीर है ही तदात्मना प्रतिष्ठाश्च स्वतः सिद्धत्वा उपासना करेगा तो प्राण शरीर रहेगा नहीं तो शरीर प्राण नहीं है जो उपासना नहीं करता उसका शरीर प्राण है तो स्वतः सिद्ध है फिर तदात्मना प्रतिष्ठति कहने का क्या अभिप्राय हुआ तदात्मना चिरम तिष्ठति जीवति यही है जी देरी घोकार रहेगा है तो शरीर में प्राण प्राण में शरीर सबका तो है किंतु एक क्षण के बाद क्या होगा कोई ठिकाना नहीं तो प्रतिष्ठित क्या कहेंगे प्रतिष्ठा क्या है एक क्षण में है दूसरे क्षण चला गया कितने लोग कहते देखो तो कितने कोई कम बड़े स्वतः है एक क्षण में गया अब कितने चले जाते हैं तो प्रतिष्ठति का चिरम तिष्ठति प्रतिष्ठित होता है प्रतिष्ठा तभी होती है दृढ़ कर रहता है यदि जीवती थी सामर्थ्या था वह मैं चिरम जीव चिरंजीव होता है इसे उपासना करने पर किंच अन्नवान अनाद होते इस पूर्ववत ऐसे ही बता अन्नवान अनाद ये फल बताएंगे अन्नवान प्रभु तो अन्न वाला हो तो अन्नाद दीप्ताग्नि कीर्ति आदि सब ऐसे बता दिया आगे अन्नम न परिचक्षित तद व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिरन्नादम अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम स एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन
महान कीर्त्या महान भवति भवति अन्न हो जाएगा। अन्न न परिचक्षित, अन्न जो प्राप्त हुआ परिचक्ष उसका परिहार त्याग नहीं करे। अन्न न परिहरे न परिचक्षित, इसका व्रत है उपासना करने के लिए जो करेगा। आपो भाई अन्नम, आपको कहा अन्न, और ज्योतिरन्नाद ज्योति जल को सुखा देता है देती है। इस जल हो गया अन्न और ज्योति अन्नाद हो गया। अपसु ज्योति प्रतिष्ठित, और जल में भी अपसु ज्योति प्रतिष्ठित, ज्योति उसका कारण जल में है ही, अपसु ज्योति प्रतिष्ठित। इसलिए क्या हुआ, प्रतिष्ठित ज्योति होने से ज्योति क्या हो गया, अन्न हो जाएगा और जल हो गया अन्नाद हो जाएगा। पहले आप अन्न कहा था, ज्योति से आप प्रतिष्ठित, ज्योति में जल प्रतिष्ठित, ज्योति से आप प्रतिष्ठित और जल में ज्योति प्रतिष्ठित, उनसे परस्पर तद तद अन्नम अन्य प्रतिष्ठित, परस्पर है प्रतिष्ठा होने से है अन्नाद प्रतिष्ठित होने से अन्नम परस्पर हो जाएंगे। सएवं तय एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठित वेद, जल और तेज जीवनों को परस्पर अन्न अनाद रूप से उपासना करता है तो भी प्रतिष्ठित हो जाता है। अन्न अन्नवान अन्नाद होती महान होती प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस कीर्ति से बराबर पहले आया है। ठीक है, भाष्य में अन्नम न परिचक्षित न च परिहरेत तद्व्रतम पूर्वत्थम, इसका परिहार नहीं करे। न च परिहरेत न निंद्यात, पहले क्या था अन्नम न निंद्यात, आगे अन्नम न परिचक्षित, यहाँ का न च परिहर न निंद्यात पहले कहा था, आगे न च परिहरेत जो कहा अन्नम न परिचक्षित न च परिहरेत। परिचक्षित का अर्थ अलग, परिहरित का अर्थ अलग, ऐसा नहीं। चकार समुचय के लिए चकार जो दिया है न निंद्यात न च परिचक्षित न च परिहरित, इसलिए चकार दिया। तथा च टीका में टिप्पणी में प्राण शरीर अन्ननाद गुणत्वेन उपासकस्य इदं व्रतद्वयं पड़ति। प्राण शरीर में अन्ननाद चिंतन करता है तो इसी प्रकार अन्न की निंदा नहीं करे और अन्य का त्याग नहीं करे। तद्व्रतम पूर्वतत्वत्यर्थम अन्न की तुति के लिए तदेव शुभाशुभ कल्पनया परिग्रियमानं तुतम महीकृतम मन्नम स्याद एवं यथोक्तम उत्तरेष्वप्यापो वा अन्नम इत्यादिषु योजयेत। पहले तदेव तदेव में एवं होना चाहिए, एवं ये तो बिंदु तो है किंतु थोड़ा बहुत ऊपर है। तदेव इस प्रकार शुभाशुभ कल्पनया, ये शुभ ऐसा अशुभ कल्पना करके त्याग कर देते ये अच्छा नहीं आएगा, ठीक नहीं है। शुभाशुभ कल्पना करते हैं में अतर शुभाशुभ कल्पनया परिगृहमान मित्येव साध्यान पाठम। हाँ, परिगृहमान परिगृहमान शुभाशुभ अकल्पनया, शुभाशुभ अकल्पनया, शुभाशुभ कल्पना नहीं करके ग्रहण कर लेने का, शुभाशुभ की कल्पना नहीं करके स्वीकार कर लेना ग्रहण कर लेना, ये पाठ साध्यान कहते। कल्पनया अपरिहर्माणमिति पाठ उपलभ्यते। शुभाशुभ कल्पनया अपरिहर्यमाण पाठ लिखा है टिप्पणी में कल्पनया अपरिह्रियमाणमिति पाठ उपलभ्यते, क्योंकि अपरिगृहमाण अपरिह्रियमाण शुभाशुभ कल्पना करके त्याग नहीं करे, अपरिह्रियमाण परिहार नहीं करे,
क्योंकि परिग्रह का तो स्वीकार, अपरिग्रह का तो स्वीकार नहीं करना। तो ऐसे मिलता अपरिह्रियमाण। और टिप्पणी में देते शुभ शुभ अकल्पनया परिह्रियमाण पाठ साधिया ना पाठ, पाठ भेद है ना, इसे पाठ अच्छा है इसे उनके अपने मन से सुबह सुबह की कल्पना नहीं करके ग्रहण कर ले, क्योंकि परिगृहमाण पाठ है इसको लेकर के। अरे अपरिगृहमाण कर दें तो सर्वाशुभ कल्पना या परिहार नहीं करे और ग्रहण कर ले, ऐसे कह करके अन्य की स्तुति हुई। तुतम तदेव सुतम सतमयी कृतम अन्नम मई कृतम अन्नम स्याद अन्नम तुतम स्याद, ऐसा करने से अन्न की स्तुति हो जाती, परिहार नहीं करे। परिहार करने से अन्न की निंदा हो जाती है, जो आया उसको ग्रहण कर लेना, परिहार त्याग नहीं करे। नहीं तो लेते समय ऐसा लेना है, फेंकना नहीं। ये के सामान्य जो सिखाते छोटे बचपन से सिखाते हैं, जो जानते हैं कि परिवार में कोई लिया जितने लिया खाना है, नहीं तो लेते समय कम लेना है। कोई ले लेते ले लिया बाद में छो फेंक दिया, क्या वो दे दिया जाता दे दिया जाता, एक महात्मा तो बहुत रह लेगा कोई फेंक देगा, वो क्या वो दे दिया, वो दूसरे महात्मा उसको डांटा बड़ा जोर से डांटा, क्या दे दिया कैसे, आप देते समय आप दे मना करो। देने वाले यहाँ ऐसे होते थे पूछेंगे नहीं, रोटी महाराज महाराज रोटी कह करके ऐसे देंगे, दाल में ऐसे कह कर देंगे, देते समय आपको मना करना है, ये नहीं कि रोटी रोटी कह कर चल तो जाएगा, हाँ हाँ दो दो ये मांगना पड़े, ऐसा नहीं, यहाँ की परंपरा ऐसा नहीं। वो रोटी रोटी होकर चलता जाएगा, कोई मांगे आते तो नहीं तो नहीं, कोई ऐसे था रोटी 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 कर चलता गया, ऐसा नहीं, कोई नहीं कहते सो घूम गया, फिर उसको कहे चलाओ एक बार, अरे कितने बार लेते हैं कितने बार आता। ऐसे ही शुरू में कोई कोई किसकी की आदत है सब्जी राम शुरू करें, नया चलाने पर चलाते हैं पहले बार वो भी सब्जी राम करने लगे, वो उसे तो देना है, जिसको नहीं लेना है मना करेगा, वो सावधान होना पड़ता है। और कभी से मैं कह रहा ये बोलते क्यों, देते जाओ रोटी रोटी घर चल जाते हो, ऐसा बोलो नहीं देते जाओ, तो क्या सीख लिया, बोलना नहीं देना तो नहीं क्या, नहीं बोल करके उसको लेकर चलने लगा चल गया। क्या आपने मना किया ना बोलने के लिए, तो पहले तो रोटी रोटी कहता था, कम से कम किसको मालूम है तो मांगता था, मैं क्या बोलो नहीं देते जाओ, वो ऐसे लेकर के घूम गया। क्यों ये भी पता नहीं चला क्या लेकर जा रहा है, बाल्टी लेकर घूम गया, बोला नहीं ना आपने मना किया बोलने के लिए, अब बोलने के लिए मना किया क्यों, देने के लिए कहा, ये सीखना चाहिए सिखाना चाहिए, जो परोसने वाले वो ऐसे कहो करके देने के लिए करो, देने के लिए खाली उनको मालूम हो जाए कि आप दे रहे हो, ये नहीं कि पूरा तो ध्यान नहीं खाते आप कुछ डाल लिया, ऐसा नहीं, मैं दे ऐसे कहीं थोड़ा दे, देते समय हो जाए तो मना कर दिया नहीं क्या, और नहीं देख रहे बाल्टी लेकर चले वो पता नहीं चला इसके हाथ क्या है, डाल या सब्जी, अच्छा पता चले दाल दाल कह कर चलो, कह कर चल रहे नहीं, यदि मना नहीं किया तो दो, क्या करना चाहिए, खाने वाले बैठे मना नहीं करना तो दो, वो तो मना नहीं किया आगे क्यों चलेगा, वो कह मांगते नहीं, मांगने के लिए बैठे थाली लेकर बैठे खाने के लिए, और क्या मांगना है, बार बार करते मांगते रहेंगे, जब थाली लेकर भिक्षा करने के लिए आए थाली लेकर बैठ गए मांगने के, मांगना तो हो गया, अरे बार बार मांगेगा नहीं, देने वाले को देना है, ऐसे नहीं कोई कहेगा तो देगा नहीं तो चल जाने, नहीं कह मना नहीं किया तो दो, इसे लेने वाले का कर्तव्य है देते समय ध्यान दे कितने लेना है। इसलिए रोटी दो बार चलाते हैं तो नहीं कहेंगे तो दो दे देंगे, पहले से था पहली बार दे दूसरे बार चलाएं कुछ नहीं कहेंगे तो दो देंगे, फिर कुछ नहीं कहो तो और दो दे देंगे, पंडित रोहित से देते पर दो बार चला रहे दो रोटी दे देंगे, कुछ नहीं कहे तो और दो रोटी देंगे, इसे जिसको एक रोटी लेना है पहले इसे दिखाएगा, बोलते नहीं भोजन के समय ऐसे करे, ऐसे करेगा तो एक नहीं तो दो दे देगा, अच्छा दो देने के बाद चुप बैठे तो फिर क्या होगा और दो मिल जाएगा, आपको दो लेना है तो एक बार दे दिया तो फिर मना करना पड़ेगा, और बोलना नहीं पड़ेगा, इतने खाली मना कर दिया एक ही दिखा दिया ऐसे, या और देने वाले को बना कर देना है, ये नहीं कि खाली चले जाओ, ये कोई मांगेगा तो नहीं तो चल जाओ बाल्टी लेकर घूम कर आ गया,
ऐसा नहीं होना चाहिए। लेते समय जो नहीं जितने चाहिए इतने लेना, अधिक ले लो और फेंक देना, वो अनुचित ही होता है। वही अन्न यदि रहा गया अधिक हुआ उसको लेकर कहीं दिया कि इसको भोजन में आ गया कुछ हो, किंतु भोजन में अपने भोजन थाली में रहा करके उसको फेंकना वो लक्ष्मी न हो जाता है। अन्न की निंदा करते त्याग करने पर फेंकने से, और कोई क्या खाते समय इधर उधर डालते इधर उधर डल जाएगा, वो डालते मत जान करेगा नहीं ऐसे डालता है, परिस्थिति समय भी आधा गिरेगा नीचे आधा गिरेगा, क्योंकि परिस्थिति है ना ऐसा परिस्थिति समय थाली में नहीं देकर बीच में गिरेगा। कोई ऐसे लेकर के सब ठीक करेगा तो देने का समय होगा उसको फिर छोड़ कर फिर उठाएगा, पहले ऐसे उठाया ऐसे ऐसे कर ठीक कर दिया, ठीक है देना चाहिए जब देने का समय है उसको प्रेम करके फिर उठा कर दिया, फिर उठाया देते गिरेगा। और कोई खीर दे रहा है देते समय निकाला, निकाला तो बह जाता है, बह जाता है तो क्या करेगा उसको बाल्टी में बाहर से लगा दिया, ऐसे भी खीर निकला उसको बाल्टी में बाहर से लगा दिया, बाहर से लगा दे तो खीर और नीचे गिरेगा ना बाल्टी के अंदर आ जाएगा, तो बाहर ही रहेगा। अंदर ले तो अंदर लेकर लगा दो तो ठीक है, अब बाहर लेकर लगा दे उसे क्या होगा, नीचे गिरेगा नहीं बाल्टी के बाहर आएगा। तो इसे फेंक के ना नहीं डालते समय देते समय देखे कि बाहर नहीं गिरे, कभी अवसावधान से गिर जाता है कि गिराना नहीं चाहिए। ये तो जो साधारण श्रुति में आया अनम न निंदा तनो न परिचक्षित जो आया, उपासना करने वाले को तो अनुष्ठान करना है स्वाभाविक, जैसे द द द देवताओं को मनुष्य को और असुरों को उपदेश किया था सब मनुष्य को सीखने के लिए, इसी प्रकार जहाँ जहाँ कोई उपदेश किया जाता है इसको इसको लेकर के सामान्य लोग में कहते हैं अन्न ब्रह्म है हम उसकी निंदा करेंगे, ऐसे लोग बचपन में सुने कुछ नहीं जाने वाले मधुर करने वाले कहते हैं नहीं नहीं अन्न की निंदा नहीं करें अन्न ब्रह्म है, ये सामान्य लोग जैसे सुन सुन करके लोक में कहीं प्रसिद्धि वो अन्न ब्रह्म श्रुति कहाँ पड़े, किंतु कहीं कैसे पुराण आदि में प्रामाणिक परंपरा कहेंगे कि वेद पढ़ने वाले पहले होते ब्राह्मण लोग अन्य जो लोग पढ़ते थे तो कहते थे तो सुना सुना बचपन सुने है अन्न ब्रह्म है सुने उसका पता नहीं अन्न ब्रह्म क्यों कहते कि अन्न ब्रह्म है उसको कहेंगे डालना नहीं, तो ये सामान्य है त्याग नहीं कर फेंके नहीं। शुभ अशुभ कल्पना परिमाण स्तुतम अहिकृतम अन्नम स्यात् एवं यथोक्तम उत्तरेष्वपि आपवा अन्नम इत्यादि सुयोजयेत्, एवं यथोक्तम योथो न यो में उकार नहीं ठीक है बनाया है पुराने में यथोक्तम जैसे कहा गया उत्तरेष्वपि आगे पर्याय में भी ऐसे समझ रहे ना, आगे कहेंगे आपवा अन्नम इत्यादि में ऐसे समझ रहे ना योजयेत्। अवसु ज्योतिर्प्रतिष्ठितम का जल में ज्योति प्रतिष्ठित, अवसु ज्योतिरिति अवज्योतिश्वर अन्ननाद गुणत्वेन गुणत्वेन, अवसु ज्योति जो क्या अन्न अन्नाद दोनों अन्ननाद गुणत्वेन उपासना करना है। यहाँ उपासकत्वेन करके अष्टमंत्र समाप्त हुआ, इसके बाद उपासकस्य अन्नस्य बहुकरण व्रतम, यहाँ देखो यहाँ आ गया ये पुराने में ऐसे नहीं था, अवसु ज्योतिरित्य अवज्योतिशोर अन्ननाद गुणत्वेन, यहाँ पुनः विराम अष्टम समाप्त हुआ, उसके बाद उपासकस्य अन्नस्य बहुकरण व्रतम ये नव मंत्र की व्याख्या ऐसा है। अवसु ज्योतिरिति अवज्योतिशोर अन्ननाद गुणत्वेन यहाँ अष्टम समाप्त है, वो अलग अगर नहीं करने से चले कहीं कहीं है यहाँ अष्टम समाप्त हुआ, और उपासक से अन्य से बहुकर्ण व्रतों में नवम के लिए, और एक साथ करेंगे तभी वो चल जाएगा, अन्य से बहुकर्ण व्रतों में आठ आठ न दोनों समाप्त हो जाएगा। बड़े महाराज जी ने क्या किया जैसे पुत्र में तो आठ न कुछ संख्या दिखा लिखा है नहीं आठ न लिखा है
खाली खाली आठ लिखा है, खाली आठ लिखा है, आठ लिखा ही है, क्या बोलते हैं भाष्य में कुछ नहीं, कहाँ है किस में, जो पढ़ रहे उसमें आठ संख्या नहीं लिखा है ना, हाँ वो तो खाली आठ लिखा है बता दिया ना मैंने, जैसे इसमें है अर्थात जो लिखा है आगे कि अष्टमो अनुवाकः उसके आगे आठ संख्या है, हाँ भाष्य के समाप्ते हो नहीं, अच्छा उसके पहले भाष्य में नहीं है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ तो ऐसे रहने कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अष्टम अनुवाक दिया ना और नव अनुवाक के लिए नहीं लिखा है, इतनी समय तक अग्रे ये भृगुवल्ली अष्टम अध्याय है, अष्टम अनुवाक लिया है और नवम अनुवाक के लिए कहीं है भाष्य में, भाष्य में कहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ यहाँ जो अष्टम अनुवाक लिखा है यहाँ नव अनुवाक भी चाहिए, इतने नव अनुवाक अष्टम अनुवाक नव अनुवाक दोनों होना चाहिए, हाँ ये हो गया नवम नवम भी हो नवम अनुवाक, नव अनुवाक अन्नम बहु पूर्वीत तद्व्रतम पृथिव्या अन्नम आकाशो अन्नाद पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठित आकाशे पृथ्वी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन महान् कीर्त्या। अन्न बहु कुर्वित अन्न बहुत उपजाए और भोजन पचन पाक करते समय अन्न बहुत करे तद्व्रतम, कोई आए तो अन्न उसको दे सके, पृथ्वी भी अन्नम पृथ्वी अन्न है और आकाश अन्नाद हो गया, आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है इससे अन्न हो गया आकाश प्रतिष्ठा है, पृथ्वीम आकाश प्रतिष्ठित पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित होने से अन्न कौन होगा आकाश अन्न हो जाए, आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठिता इसलिए आकाश से पृथ्वी पर पृथ्वी अन्न हो गया, ऐसे परस्पर अन्न अन्नाद हो गया तदे तद अन्नम अने प्रतिष्ठितम, जो इस प्रकार अन्नम अने प्रतिष्ठितम वेद उपासना करता है वही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान होता है अन्नवान अनाद होता है, प्रजा से पशु से ब्रह्मवृत्ति से महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है, तथा भाष्य में पृथ्वी आकाश उपासकस्य ये हो गया पृथ्वी आकाश उपासक हो गया नवम नवम अनुवाद पृथ्वी आकाश उपासकस्य वसतो वसत निमित्तं कंचन किंचिदपि कंचिदपि न प्रत्याचक्षित, आगे नवम दसम अनुवाद नवम तो पूरा हो गया तथा पृथ्वी पहले दसों कहते समय ये जो करेगा उपासना करेगा उसके लिए दसम है, और इसमें भाष्य व्याख्या आदि बहुत नहीं होने से वो अनुवाक संख्या इसमें कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ जो अष्टम अनुवाक हुआ भाष्य हुआ नवम हुआ तथा पृथ्वी आकाश उपासक से जो आया है भाष्य ये भाष्य दसम अनुवाक का है, हाँ नव अनुवाक का व्याख्यान भाष्य हो गया, ये जो तथा पृथ्वी आकाश उपासक वसतु वसत निमित्तम ये जो भाष्य है ये भाष्य किस अनुवाक का दसम का न कंचन वसत उसका ही है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशव